इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और उसे सबसे पहली बार देखने वाली महिला की काफी चर्चा है। पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि आखिर वो कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस को देखा था। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा कि वो कौन सी महिला थी जिसने पहली बार कोरोना वायरस को अपनी आंखों से देखा। मैं बात कर रहा हूं जून अल्मेडा की। कौन थी, कहां की थी, कब देखा, फिर क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। जून अल्मेडा का जन्म स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। जून अल्मेडा की बेटी जॉस ने द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में लिखे अपने लेख में बताया था कि जून अल्मेडा बचपन में पढ़ने में तेज तरार थी। बावजूद इसके पैसे की तंगी की वजह से उन्हें 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। साल 1947 में पढ़ाई छोड़ने के बाद जून अल्मेडा ने ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी के हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम शुरू किया, जहां उन्हें हर हफ्ते 25 शिलिंग्स पगार के तौर पर मिलते थे। जून अल्मेडा ने जो वहां सीखा उससे उन्हें वायरोलॉजिस्ट बनने में काफ़ी मदद मिली। उन्होंने न केवल ऐसे वायरसों की पहचान की जो पहले नहीं देखे गए थे, बल्कि उनके वायरल इन्फेक्शन के रोग जनन की भी पहचान की। कुछ समय बाद वो वहाँ से लंदन चली गईं। इसी बीच उन्हें वेनेजुएला के कलाकार एनरिक अल्मेडा से प्यार हुआ और साल 1954 में उन्होंने उससे शादी कर ली। जब उनकी बेटी हुई तो उन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर का रुख किया, जहां उन्हें ओंटेरियो कैंसर इंस्टीट्यूट में बतौर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्नीशियन की नौकरी मिली। जेई बेनेट वाला ने नेशनल बायोग्राफी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखे अपने नोट में लिखा है कि यह सिर्फ जून अल्मेडा के लिए ही संभव था कि बिना किसी फॉर्मल पढ़ाई और ट्रेनिंग के उन्हें काम मिले। बेनेट वाला कहते हैं कि कनाडा में अल्मेडा के काम को नोटिस किया जाने लगा। उन्हें वहाँ के न्यूमरस साइंटिफिक पब्लिकेशन में जगह मिलने लगी, खास तौर पर वायरल स्ट्रक्चर में। जून अल्मेडा उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1979 के रैपिड लेबोरेटरी वायरल डायग्नोसिस के मैनुअल को तैयार किया था। अल्मेडा ने एक तकनीक विकसित की जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहा गया। जून अल्मेडा ने तकनीक की मदद से वायरस को एंटीबॉडीज से मिलवाया। जून ने वायरस को एंटीबॉडीज के साथ मिलते हुए देखा और उसका विजुअल स्ट्रक्चर तैयार किया। साल 1984 में लिखे अपने रिसर्च पेपर में जून अल्मेडा ने बताया कि ये वायरल डायग्नोस्टिक फील्ड में बहुत ही उपयोगी टूल था। जून अल्मेडा ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से ही रूबेला वायरस को पहली बार विजुलाइज किया। जून अल्मेडा ने ही बताया कि हेपेटाइटिस बी वायरस में दो कंपोनेंट हैं, एक जो सरफेस पे है और दूसरा इंटरनली। पहली बार इंसानी कोरोना वायरस की खोज साल 1965 में वैज्ञानिक डीजे टेरेल और एमएल बेओन ने किया। हालांकि इससे पहले ये बीमारी जानवरों में मिल चुकी थी। उन्होंने इस वायरस का सैंपल एक बच्चे की नाक से निकाला था जिसे सामान्य सर्दी जुखाम के लक्षण थे। दोनों ने वायरस को B814 नाम दिया। साल 1965 में लिखे अपने रिसर्च पेपर में टेरेल और बेओन ने लिखा है कि शुरुआती संदेह के बाद हमें विश्वास हो गया कि B814 वायरस किसी भी इंसान में पाए गए वायरस से अलग है। इसके दो साल बाद साल 1967 में अल्मेडा ने इसका सैंपल लिया और अपनी ईजाद की गई तकनीक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से इसको विजुलाइज किया। साल 1967 में जर्नल वायरोलॉजी में छपे लेख द मॉर्फोलॉजी ऑफ 3 प्रीवियसली अनकैटेगराइज्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी वायरसेस दैट ग्रो इन ऑर्गन कल्चर में लिखा कि इस खोज की सबसे खास बात ये थी कि वायरस 22E और B814 एक समान थे जो इंसान की सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते थे। उन्होंने इसे कोरोना वायरस नाम दिया जो साल 1968 में स्वीकार्य हो गया। अपने करियर के अंतिम दिनों में डॉक्टर जून अल्मेडा वेलकॉम इंस्टीट्यूट में थीं, जहां उन्होंने इमेजिंग के जरिए कई नए वायरसों की पहचान की और उसके पेटेंट भी अपने नाम कराए। बाद में रिटायर होने के बाद वे योगा टीचर बन गईं। साल 2007 में 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये पूरी जानकारी थी जून अल्मेडा के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी दूसरे के बारे में जानना है तो नीचे नाम लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उससे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।